जो रिजल्ट आपके पास हैं, कम से कम पहले वो बता दें, वो डिस्प्ले हाँ जी हो चुके हैं। और NA25 नौशहरा का रिजल्ट है, जहां पर मुकम्मल पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट है। 281 पोलिंग स्टेशंस से अब कलेक्टिव रिजल्ट ये है कि पीटीआई यहां पर लीड पर है। परवेज खटक साहब ने हासिल किया है 61,243 वोट्स, और इनके जो मदे मुकाबले एएनपी के जो कैंडिडेट हैं मलिक जुमा खान, ये हार चुके हैं और इन्होंने हासिल किया 40,775 रिजल्ट। नेक्स्ट जो रिजल्ट हमारे पास है वो है NA231 सज्जावल का, और यहां पर हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी लीड पर है और एमएमए के जो कैंडिडेट हैं वो हार चुके हैं। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट सैयद अयाज अली शाह शहराजी 80,725 वोट्स के साथ पहली पोजीशन पर है, जीत चुके हैं। और इनके मदे मुकाबल एमएमए के जो कैंडिडेट है मौलवी मोहम्मद सालेह, ये हार चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रिजल्ट है वो है पीपी 189 ओकाड़ा का। यहां पर हम देख रहे हैं कि पीटीआई के कैंडिडेट मोहम्मद सलीम लीडिंग पोजीशन में है और पीएमएलएन के मुनीबुल हक हार चुके हैं। पीटीआई के कैंडिडेट मोहम्मद सलीम ने 60,430 वोट हासिल किए हैं, जबकि इनके मदे मुकाबल पीएमएलएन के मुनीबुल हक हासिल कर पाए हैं 41,947 वोट। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर करने के लिए रिजल्ट है वो पीपी 246 बहावलपुर का है। यहां पर पीटीआई के कैंडिडेट समीउल्लाह चौधरी 40,780 वोट के साथ पहली पोजीशन पर हमें दिखाई दे रहे हैं, जबकि पीएमएलएन के कैंडिडेट यहां पर हार चुके हैं। राणा मोहम्मद तारिक ने हासिल किए हैं 24,413 वोट। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे जो रिजल्ट हमारे पास है वो है PK5 स्वात का। यहां पर पीटीआई के कैंडिडेट लीड पर है, मुकम्मल रिजल्ट है 93 पोलिंग स्टेशंस का, और फजल हाकिम खान यूसुफ जई लीड पर है 18,012 वोट इन्होंने यहां से हासिल किए हैं, जबकि इनके मदे मुकाबल एमएमए के कैंडिडेट मोहम्मद अमीन 10,371 वोट ले सके हैं। नेक्स्ट प्ले कीजिए, यह है PK22 बुनेर का रिजल्ट, और यहां पर एएनपी के कैंडिडेट सरदार बाबिक हुसैन जो है वो यहां पर लीड पर दिखाई दे रहे हैं। मुकम्मल रिजल्ट है 21,918, और जबकि इनके मदे मुकाबल जो है कैंडिडेट अर्राज वली खान जो है वो हार चुके हैं और उन्होंने हासिल किए हैं 15,134 वोट। नेक्स्ट जो रिजल्ट है ये है PK38 अबडाबाद का, और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि पीटीआई के जो कैंडिडेट है वो लीडिंग पोजीशन में है। हाजी कलंदर खान लोधी हैं, इन्होंने 29,765 वोट लिए हैं, और इनके मदे मुकाबल पीएमएलएन के जो कैंडिडेट है मोहम्मद अरशद आवान, ये हार चुके हैं और इन्होंने हासिल किया टोटल 27,256। और नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है PK9 स्वात का रिजल्ट है, ये पीटीआई के कैंडिडेट है महमूद खान। 90 जो पोलिंग स्टेशन है उनके मजमू तौर पर आपको रिजल्ट बता रहे हैं, और यहां पर इसके मुताबिक पीटीआई जो है वो जीत से हमकिनार हो गई है, और इनके जो मदे मुकाबल कैंडिडेट थे एएनपी के अयूब खान अंसारी, वो हार चुके हैं। PK9 का रिजल्ट हमने आपसे शेयर किया है।